अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको अपनी क्यूब कलेक्शन दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे इतने सारे कमेंट आए कि भाई अपनी क्यूब कलेक्शन दिखा दो। मैं क्यूब कलेक्शन नहीं दिखा रहा था, मगर आज की वीडियो में क्यूब कलेक्शन दिखाऊंगा। मैंने दोस्तों आपसे वादा किया था कि मैं 20 सब्सक्राइब हो जाएंगे। पिछली वीडियो मैंने कहा था कि फिर 20 सब्सक्राइब हो जाएगा तो मैं इसको अनबॉक्स करूँगा। अब मैं इसको अनबॉक्स करूँगा। अगर दोस्तों आपने मेरे 1 मंथ में 300 सब्सक्राइब कंप्लीट कर दिए तो मैं करूँगा 5x5, 6x6, 7x7 की अनबॉक्सिंग। दोस्तों ये है हमारे क्यूब। मैं आपको दोस्तों 1x1 करके क्यूब दिखाऊंगा। और दोस्तों करते हैं जगह क्लीन। दोस्तों जगह क्लीन हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये 2x2 है सिंपल मोयो का क्यूब। इसकी भी ट्रेंडिंग बहुत अच्छी है। 2x2 स्टार क्यूब, ये भी बहुत अच्छा क्यूब है। 3x3 का क्यूब सबसे पहले हमने ये लिए थे। इसकी ट्रेंडिंग एकदम बकवास है, घूमता भी नहीं है। ये भी 3x3 है। ये सिंपल मोयो का 3x3 क्यूब, फ्लफी क्यूब है। इसकी भी रनिंग अच्छी है, मगर इसे कॉर्नर चुभते हैं हाथ पे। और दोस्तों सब करते हैं इसको अनबॉक्स। हमने कैंची पकड़ी, इसको काट देते हैं। पहले इसका ये मैनुअल आ गया। इसकी पहली दफा मैं टाइमिंग चेक करूंगा। इसको साइड पे, इसका मैनुअल है, इसको हम चेक करते हैं। की टर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसकी टर्निंग ये दोस्तों 3x3 क्यूब है, जिस तरह की मैंने अपनी सुन रही थी। बहुत ज़्यादा स्मूथ है। दोस्तों आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल को सपोर्ट किया। और ये डायनो क्यूब है, इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आगे भी हमें सपोर्ट करेगा हमारे चैनल को। और ऐसे हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, हमारी पूरी कंप्लीट वीडियो देखा करें, इससे हमें भी इस तरह सपोर्ट मिलती है थोड़ी सी, और आपके लिए भी अच्छी अच्छी फॉर्मेटिंग वीडियो आती रहेगी। और दोस्तों ये लीव क्यूब, इसकी टर्निंग बहुत अच्छी है, मगर ये कार्बन फाइबर उसमें है। फ्लफी क्यूब पहले मैंने आपको दिखाया था, ये वाला फ्लफी क्यूब, इससे थोड़ा डिफरेंट है, मगर इस क्यूब का नाम भी फ्लफी क्यूब है। इसकी मैंने अनबॉक्सिंग भी दिखाई थी, वीडियो में जाके आप देख सकते हैं डिटेल से। इसकी भी दिखाई थी टर्निंग स्मूथ हो गए, कॉर्नर जो थे ना वो। और इस क्यूब का नाम नहीं पता, अगर आपको इस क्यूब का नाम पता तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। बहुत स्मूथ है। RS 320 है, इसकी मैंने वीडियो बनाई थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। मेरे पुराना मोयू है पैरल क्यूब, इसकी भी मैंने आपको वीडियो बनाई थी, इन दोनों की एक साथ। अभी हमारा 4x4 क्यूब, इसकी ट्रेंडिंग बहुत अच्छी है। ये सिंपल मोयू का क्यूब। दोस्तों टाइमर क्यूब, अभी दोस्तों आप सोच रहे हो कि टाइमर क्यूब मैं क्यों कह रहा हूँ जबकि 3x3 है। दोस्तों इसमें ख़ास बात है क्योंकि इसमें टाइमर है, इस जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ये ऑन हो गया टाइमर, और इसी को एक पुश करेगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा। काउंटिंग लिखी रहती है स्टार्ट,
ऐसे क्या देख सकते शॉर्ट नौ बजे तक का इसमें गैप होता है, सेकेंड होते हैं एक क्लिक करें बंद हो जाएगा, थोड़ी देर बाद खुद ही नंबर भी हट जाएगा यहाँ से। इसकी एयर वन इसकी रनिंग अच्छी है, तो 5x5 पुराने बहुत पुराने पीज है। और ये स्क्यूब की स्क्यूब है, इसका नाम स्क्यूब है, स्क्यूब क्यूब रनिंग होता है। दोस्तों इन दोनों की मैंने वीडियो बनाई थी, आपने हो सकता है देखी हो, अगर नहीं देखी तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, क्योंकि ये बॉल क्यूब है, इसकी मैंने वीडियो बनाई थी, डिटेल से वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल में जाके। ये मिरर क्यूब, इसकी मैंने सबसे पहले वीडियो बनाई थी, आप जाके देख सकते हैं चैनल में। स्नेल क्यूब, ईगल आई क्यूब, इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। ये भी इसमें ईगल आई क्यूब, इसका नाम कार्बन फाइबर में है। स्नेल क्यूब, एक क्यूब, मिनी 3x3 4 है, वैसे किचन है, ये आम लोकल दुकान से मिल जाते हैं, इसके टूटने का खतरा होता है, बहुत ज्यादा डरते हैं। ये मिनी 3x3 स्पिनर क्यूब एकदम फास्ट घूमता है। दोस्तों गोश्त क्यूब, टावर क्यूब, इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी। और दोस्तों ये इस क्यूब का नाम नहीं पता, अगर आपको इस क्यूब का नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। वैसे तो मैं ऑफिशियल क्यूब कहता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। मिलेगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज़, बाय बाय।